जय हिंद दोस्तों गिफ्ट यानी उपहार किसे गिफ्ट लेना अच्छा नहीं लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपको भी लगता होगा कुछ लोगों को तो गिफ्ट देना भी अच्छा लगता है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये गिफ्ट लेना देना अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बना दिए टैक्सेशन के रूल बना दिए गिफ्ट के ऊपर तो इस वीडियो के अंदर हम गिफ्ट से रिलेटेड ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे कब गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगता है कब नहीं लगता है कैसे आप गिफ्ट से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और गिफ्ट डीड आप खुद कैसे बना सकते हैं दोस्तों इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं गिफ्ट दीजिए और टैक्स बचाइए तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे गिफ्ट के फीचर्स एंड रूल्स गिफ्ट की टैक्सीबिलिटी कब गिफ्ट पर टैक्स लगता है क्लबिंग ऑफ इनकम क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 64 है इनकम टैक्स का उसके बारे में हम बात करेंगे टैक्स को सेव करने के लिए क्या क्या टिप्स हैं और कैसे आप अपना जो गिफ्ट डीड है वो आप खुद बना सकते हैं तो सबसे पहले गिफ्ट की डेफिनेशन की बात करना चाहेंगे हम डेफिनेशन मतलब टू शो लव एंड अफेक्शन पीपल गिव गिफ्ट अपने लव एंड अफेक्शन को शो करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु देता है कोई चीज़ देता है कैश और काइंड के अंदर तो वो गिफ्ट है इस गिफ्ट को आप कैश से बैंक से डीडी से चेक ज्वेलरी शेयर मोबाइल प्रॉपर्टी ई मोबाइल प्रॉपर्टी कैसे भी आप देख सक दे सकते हैं ये विदाउट कंसिड्रेशन होगा या इन एडिक्वेट कंसिड्रेशन होगा कंसिड्रेशन मतलब प्रतिफल मतलब किसी के बदले में देना विदाउट मतलब बिना किसी चीज़ के बदले में देना या इन इनएडुकेट मतलब किसी से आपने कुछ कम पैसे ले लिए हैं या कम चीज़ ली है देने के बदले तो ये आपका गिफ्ट हो जाएगा गिफ्ट टैक्स है वो तो एंड हो चुका है दोस्तों गिफ्ट टैक्स जो है अब नहीं है इंडिया के अंदर लेकिन गिफ्ट के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो अभी भी है मतलब इनकम टैक्स हमें अभी भी देना पड़ सकता है अगर हम उस दायरे में आते हैं तो अब हम बात करते हैं गिफ्ट की टैक्सीबिलिटी गिफ्ट के ऊपर कब टैक्स लगता है गिफ्ट इज़ टैक्स फ्री इन दी हैंड्स ऑफ रिसीवर जो लेने वाला व्यक्ति है उसके हाथ में गिफ्ट टैक्स फ्री होगा अगर वो एक साल के अंदर पचास हजार रुपये का गिफ्ट लेता है एक साल के अंदर पचास हज़ार रुपये का गिफ्ट लेता है तो वो लेने वाले को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर पचास हज़ार रुपये से ज़्यादा की अमाउंट है वो क्रॉस कर जाती है तो आपको टैक्स ऑन टोटल अमाउंट पर देना पड़ेगा नोट एक्सेस आपने किसी से साठ हज़ार रुपये का गिफ्ट ले लिया है तो दोस्तों दस हज़ार रुपये के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा पूरे के पूरे साठ हज़ार रुपये आपको टैक्स लग जाएगा चाहे आपका कैश हो चाहे काइंड हो चाहे आपकी वो प्रॉपर्टी हो और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको दिखाना पड़ेगा और आपके टैक्स लैब के हिसाब से आपको जो है टैक्स इसके ऊपर लग जाएगा मान लीजिए आपका और कोई इनकम नहीं है और आपको पाँच लाख रुपए का गिफ्ट है जो मिल गया है किसी भी व्यक्ति से और तो वो इनकम टैक्स में जुड़ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लेकिन ढाई लाख रुपये की वैसे छूट है आपको प्लस में एट्टी सेवन ए के अंदर ढाई लाख की और छूट मिल जाएगी तो पाँच लाख रुपए आपका टैक्स फ्री हो जाएगा कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा तो इस तरह से अगर आपको कोई ई मोबल प्रॉपर्टी मिली है ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जो लैंड बिल्डिंग वगैरह है तो आपने स्टैम्प वैल्यू से कम में उसको बेच दी है आपको मिली है तो जो उसका डिफरेंस है वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में माना जाएगा ये हमने बात की दोस्तों नॉन रिलेटिव से ऐसा कोई व्यक्ति जो आपसे रिलेटिव नहीं है आपका रिश्तेदार नहीं है इनकम टैक्स के अंदर अगर उससे आप ये पेमेंट लेते हो तो आपको ये पचास हज़ार से ज़्यादा का अमाउंट है टैक्सेबल हो जाएगा इसके अंदर मैं एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों पचास हजार रुपया सभी से मिलाकर है अगर आपको दो दोस्तों ने पच्चीस हजार पच्चीस हज़ार रुपए दिए और एक दोस्त ने दस हज़ार रुपए दिए तो पच्चीस पच्चीस पचास और दस साठ हजार रुपया हो गया तो ये साठ का साठ पचास से तो क्रॉस कर गया तो टोटल अमाउंट है जो वो हमारी टैक्सीबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर ऐसा कोई दोस्त मैंने तो नहीं देखा जो आपको इतना गिफ्ट देता है लेकिन अगर मिलता है तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा अब गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स की बात आई गई है दोस्तों इफ रिसीव्ड फ्रॉम ऑल फ्रेंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर पचास हज़ार से ज़्यादा तो सारी की सारी अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पचास हजार रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट है अगर आप सभी दोस्तों से मिलाकर भी मिल जाता है तो अगर पचास हजार से क्रॉस कर जाता है तो सारी की सारी अमाउंट है दोस्तों वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जोड़ ली जाएगी मैरिज एनिवर्सरी के अंदर मिलता है कोई बच्चा आपका चाइल्ड बोर्न होता है तब मिलता है बर्थडे पर मिलता है तो भी आपका ये सेम का सेम रूल है वो अप्लाई हो जाएगा इसके बाद बात करते हैं नो टैक्स ऑन गिफ्ट गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा मैंने आपको बताया दोस्तों गिफ्ट देने वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका एक नंबर का पैसा है वो गिफ्ट दे रहा है उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं गिफ्ट लेने वाले को दिक्कत है अगर वो आपका रिलेटिव नहीं है जिसको आप गिफ्ट दे रहे हो मैंने किसी से गिफ्ट लिया और देने वाला कोई अन है तो वो मेरी गिफ्ट इनकम में जुड़ जाएगा लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेने वाले को भी टैक्स नहीं लगेगा एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड रिलेटिव इनकम टैक्स के अंदर रिलेटिव की डेफिनेशन दी हुई है रिलेटिव की डेफिनेशन अगर आप उसके अंदर आ जाते हो और उससे आपको कोई पैसा मिलता है तो वो सारा का सारा टैक्स फ्री होगा कोई भी लिमिट नहीं है एक लाख दस लाख पचास लाख एक करोड़ रुपए सामने वाले के पास एक नंबर का है और वो आपका रिलेटिव है तो आपको जो है गिफ्ट के ऊपर उस गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्लबिंग प्रोविजन शुड बी कीप इन माइंड सेक्शन 64 का मैंने क्लबिंग बताया था दोस्तों अगर क्लबिंग के अंदर क्या होता है वो मैं आपको अभी आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद में गिफ्ट आपको नहीं लगेगा अगर आपको ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज पर मिला है मैरिज के ऊपर आपको चाहे रिलेटिव से मिला हो चाहे नॉन रिलेटिव से मिला हो शादी के अंदर तो सब लोग आएंगे आपके दोस्त भी आएंगे और आपके सभी लोग आएंगे तो रिश्तेदार भी आएंगे तो उनसे किसी से भी कोई पैसा मिलता है दोस्तों वो सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड एज विल और इनहेरिटेंस विल बी टैक्स फ्री विल से कोई पैसा मिला है इनहेरिटेंस से मिला है पूरा ऊपर बुज़ुर्गों से कोई पैसा मिला है वो भी आपका टैक्स फ्री हो जाएगा इसके बाद जो स्पेसिफाइड रिलेटिव के बारे में बात की थी दोस्तों अगर आप इंडिविजुअल हो और आपके जो स्पाउस हैं आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ वाइफ हो तो आपका हस्बैंड तो उसके जो ब्रदर एंड हिज वाइफ तो जो स्पाउस है उसका भाई और उसकी उसकी जो वाइफ है मतलब आपका जो साला हो गया और उसकी वाइफ होगी अगर आपकी स्पाउस की जो सिस्टर है साली साली का घर वाला भी हो जाएगा इसके अंदर से इस तरह से आपको जो है उसके जो फादर लॉ फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आपके जो स्पाउस हैं उनके फादर एंड मदर तो ये सारी डेफिनेशन है इनकम टैक्स के अंदर आती है इनसे अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा उसके ऊपर आपको जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा ये आप देख सकते हैं ब्रदर है तो ब्रदर के ब्रदर की वाइफ भाभी हो जाएगी सिस्टर है तो उसके हस्बैंड अपने जीजा जी हो जाएंगे फादर है तो फादर के भाई बहन चाचा चाची फूफा बुआ मामा मामी है मदर के भाई बहन आ जाएंगे बेटा है तो बेटा का डॉटर इन लॉ हो जाएगा आपकी पुत्र वधु हो जाएगी इन लॉ हो जाएगा डॉटर है तो उसका सन इन लॉ हो जाएगा इस तरह से आपको ये सारे डेफिनेशन है वो देख लेनी है उनके उनसे मिलेगा वो टैक्स नहीं मिलेगा और नॉन रिलेटिव कौन है कजन अगर आपके ताऊ जी से आपके फूफा जी से कोई पैसा मिलता है वो तो टैक्स फ्री हो जाएगा लेकिन उनके बेटे से मिलता है उनका बेटा या उनकी बेटी आपको देती है जो कजन बोलते हैं भतीजा भांजा या मतलब बुआ चाचा का लड़का तो वो रिलेटिव नहीं है उनसे कोई पैसा मिलेगा तो आपका टैक्स एबल हो जाएगा इसके बाद में क्लबिंग ऑफ इनकम मैंने बताया था सेक्शन सिक्सटी फोर के बारे में सम सम वन ट्रांसफर मनी टू रिलेटिव्स अकाउंट हु एज़ हैविंग नो इनकम और लो टैक्स लेवल तो क्या करते हैं जैसे कि एक व्यक्ति है उसके जो फादर हैं एक फादर है वो अपने बेटे को गिफ्ट देता है तो क्या होगा दोस्तों वो गिफ्ट की अमाउंट है फादर की इनकम ए, कैपिटल से कम हो जाएगी और बेटे की जो गिफ्ट की जो अमाउंट है वो बन जाएगी लेकिन और उसमें क्या होता है दोस्तों वो पैसा जो है बेटा जो होगा सन जो होगा उसको जैसे भी अपनी कमाई कर सकता है इन्वेस्ट कर सकता है और उस पर जो कमाई होगी वो बेटे को ही टैक्स देना पड़ेगा तो इस तरह से जो फादर ने जो दस लाख रुपये की मान लो एग्जाम्पल पैसा दिया था उसके ऊपर जो कमाई होगी वो टैक्स फादर को नया दे करके उस बेटे को देना पड़ेगा इस तरह से कुछ लोग टैक्स सेविंग करते हैं लेकिन क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या होता है अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है वाइफ अपने हस्बैंड को देती है या एक पिता अपने पुत्र को जो कि माइनर अभी 18 साल से कम का है तो क्लबिंग ऑफ इनकम का सेक्शन है वो अप्लाई हो जाएगा और उसके अंदर जो है जो उसके ऊपर जो कमाई होगी उसके ऊपर सारा टैक्स जो गिफ्ट देने वाले को ही देना पड़ेगा अब मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाना चाहूँगा हस्बैंड हैविंग इनकम बारह लाख रुपए हस्बैंड के पास बारह लाख रुपए की पहले से इनकम है वो थर्टी परसेंट स्लैब में आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया अपनी वाइफ को एक लाख रुपए गिफ्ट दे दिया और उस एक लाख को वाइफ ने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और उसके ऊपर दस की जो है इनकम कमा ली दस अब क्या होगा हस्बैंड विल नॉट गेट एनी एग्जाम्पन्स फॉर गिफ्ट मेड जो गिफ्ट जो एक लाख रुपये का दिया था ये वाला दोस्तों उसकी किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी हस्बैंड को उसको इंटायर बारह लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा यहाँ तक बात समझ आती है इसके बाद में वाइफ ने जो पैसा प्राप्त किया है एक लाख रुपए वो रिलेटिव से प्राप्त किया है तो रिलेटिव से कोई भी पैसा प्राप्त होगा तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा तो अभी तक क्या हुआ इसको पैसे गिफ्ट देने पर कोई टैक्स नहीं लगा उसकी वाइफ को गिफ्ट लेने पर कोई टैक्स नहीं लगा इसके बाद में जो एक लाख रुपए जो दिया था उसको इन्वेस्ट किया आपने और इन्वेस्ट करने के बाद में जो अमाउंट आपने कमा ली दोस्तों इन दिस वन लाख रुपीज़ फ्रॉम फ्रेंड और अन रिलेटिव दैन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर ये एक लाख रुपए हस्बैंड से ना मिलकर किसी और व्यक्ति से मिला होता अननोन से नॉन रिलेटिव से तो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाता अब इनकम फ्रॉम गिफ्टेड मनी विल बी टैक्सेबल इन दी हैंड ऑफ हस्बैंड ये दस हज़ार रुपए की जो कमाई की थी इन्होंने एक लाख रुपए को कहीं पे लगा दिया था इन्होंने और दस हज़ार रुपये जो कमाई करी थी ये दस हज़ार रुपए उसके हस्बैंड के ही इनकम में जुड़ जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ हजबेंड उसको 12 लाख रुपए तो वो इनकम हुई थी प्लस दस हज़ार रुपये ये हो जाएगी तो 12 लाख दस हज़ार रुपये के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा उस व्यक्ति को उसने जो तो टैक्स प्लानिंग करने की सोची थी लेकिन क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 64 बोलता है अगर आप अपने स्पाउस को पैसा देते हैं या अपने माइनर चाइल्ड को पैसा देते हैं तो उसके ऊपर जो भी कमाई होगी वो आप ही की इनकम में जुड़ेगी इसे आप टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते हैं अगर आपका बेटा अठारह साल से ज़्यादा है मेजर है तब आप उसको दे सकते हैं तो क्लबिंग ऑफ इनकम फॉर स्पाउस माइनर चाइल्ड या डॉटर इन लो आपकी पुत्र बधू है या आपका छोटा बच्चा है अठारह साल से या आपकी वाइफ को आप पैसा देते हो उससे जो भी कमाई होगी वो आप ही की इनकम में जुड़ जाएगी हस्बैंड विल बी टैक्सेबल बारह लाख दस हज़ार रुपये लेकिन फर्दर इस दस हज़ार रुपये से जो भी इनकम होगी दस हज़ार रुपये को फिर इन्वेस्ट किया उससे हज़ार रुपये कमाई की वो उसकी वाइफ के हाथ में जुड़ जाएगा ये इसके ऊपर क्लबिंग नहीं होगी इनकम से जो और इनकम होगी उसके ऊपर क्लबिंग नहीं होगी अब गिफ्ट की डेफिनेशन के लिए एक दो क्वेश्चन दोस्तों टेकन सिक्सटी थाउजेंड रुपये फ्रॉम फ्रेंड एज ए लोन ये साठ हज़ार रुपये हमने दोस्त से लिए थे उससे लोन लिया था उसको हमने वापस देने हैं तो ये हमारा गिफ्ट नहीं होगा इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा रिसीव्ड रुपीज़ थर्टी थाउजेंड फ्रॉम स्पाउस पति पत्नी पति पत्नी पत आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तीस हज़ार रुपये का रिलेटिव है कोई टैक्स नहीं लगेगा टैक्स फ्री हो जाएगा स्वाइप क्रेडिट कार्ड फॉर पचास हज़ार रुपये फॉर अ फ्रेंड एंड गोट बैक इन बैंक मैंने क्रेडिट कार्ड से किसी फ्रेंड को, को कोई कोई सामान दिलवाया और वापस मेरे अकाउंट में पैसे आ गए तो ये आपकी जो क्लबिंग नहीं होगी ये इनकम में नहीं जुड़ेगा फादर ट्रांसफर रुपीज़ एट्टी फाइव रुपीज़ एटी फाइव थाउजेंड टू पे ई एम आई टू लोन लोन चुकाने के लिए फादर ने अपने बेटे को पचासी हज़ार रुपये दिए ये भी आपकी गिफ्ट में नहीं जुड़ेगा तो इसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो किस रेट के हिसाब से आपको टैक्स लगता है अगर मान लो आप नॉन रिलेटिव से कोई गिफ्ट लेते हैं तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा दोस्तों इनकम में जुड़ जाएगी वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जैसे मैंने बताया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जोड़ लेंगे उसको और स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब दो तरह के हैं एक में तो पाँच बीस और तीस ही हैं जिसमें कोई डिडक्शन्स वगैरह आपको सारी मिल जाती है और एक है पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस इन दोनों में से जो भी आपका स्लैब होगा उस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है या आपकी पाँच लाख रुपए तक की इनकम है इस गिफ्ट को मिला करके तो भी सेक्शन 87 ए का रिबेट मिल जाएगा बारह हज़ार पाँच सौ तक का और आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स है नहीं देना पड़ेगा तो आपकी ओवरऑल अदर इनकम पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना टैक्स उसके ऊपर देना है इसके बाद में कुछ टिप्स दोस्तों इफ गिफ्टिंग अमाउंट इज बिग इनफ कोई बड़ी अमाउंट दे रहे हो आप किसी को कोई अच्छा चेक दे रहे हो कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो कंसिडेबल अमाउंट है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको बनानी है गिफ्ट डीड आपको बनाना है गिफ्ट डीड की अभी हम वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आपको बनाना है और जहां जहां पे एप्लीकेबल होता है अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आपको ये शो करना है गिफ्ट जो लेना है आपको चेक से ही लेना है अदर देन कैश लेना है आप दो लाख रुपए तक नगद का गिफ्ट ले सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकते हो अदरवाइज जितने रुपए का कैश लोगे वो सारी की सारी आपकी इनकम में जुड़ जाएगी और आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी उतने रुपए की स्टैम्प पेपर आपको लेना है मोबल प्रॉपर्टी के लिए और रजिस्ट्री करानी है ई प्रॉपर्टी के लिए जस्टिफिकेशन के लिए कल को कोई आपको परेशान करे आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप इजीली बता पाओ कि ये इनकम मेरी ये अमाउंट है मेरा गिफ्ट का है और यहाँ से आया था वो आप जस्टिफाई कर सकते हो इसके बाद में इफ अमाउंट टू स्पाउस माइनर चाइल्ड और डॉटर इन लो जैसे अभी अभी क्लबिंग की बात करी थी दोस्तों हमने सेक्शन 64 कि अगर आप अपने माइनर चाइल्ड को 18 साल से कम के बेटे को अपनी वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को या डॉटर इन लो को आप कोई पैसा देते हो गिफ्ट में तो उसकी जो भी इनकम होगी वो आप ही इनकम में जुड़ जाएगी लेकिन उस पैसे को अगर आप ऐसी जगह पे लगाते हो जो टैक्स फ्री है लेफ्ट स्पोर्ट एग्जम्प्टेड इनकम जैसे कि पी के अंदर आप लगा देते हो ई में लगा देते हो एक लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ़ है पी के अंदर माफ है तो पी का जो टैक्स वैसे ही टैक्स फ्री है चाहे आपके हाथ में जुड़े चाहे उसके क्लबिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से अगर आप इनको देना चाहते हो तो उस पैसे को कहीं पे ऐसी जगह पे लगाइए जिसकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री होगी तो क्लबिंग के प्रोविज़न भी आपको जो है नो क्लबिंग प्रोविज़न अलाउड टू तो पेरेंट्स इन पेरेंट इन लॉ तो पेरेंट पेरेंट इंटर लॉ पेरेंट इन पेरेंट इंटर लॉ है जो दोस्त इस तरह से आपको क्लबिंग ऑफ इनकम का ध्यान रखना है अगर आपने क्लबिंग वाले सेक्शन में आप आ ही गए हो तो आपको जो है टैक्स फ्री जो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना है इसके बाद में इफ़ यू आर हैविंग ट्वेंटी लाख रुपीज़ टू इन्वेस्ट आपके पास बीस लाख रुपये पड़ा है इन्वेस्ट करने के लिए आपके पेरेंट हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं आपके जो माता पिता साठ साल से ज़्यादा हैं तो आप उन दोनों को दस दस लाख रुपये दे सकते हो आपको गिफ्ट देने में कोई टैक्स नहीं लगेगा उनको गिफ्ट लेने में कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर इन्वेस्ट करते हैं एफ के अंदर एफ के अंदर मान लो पाँच का कम से कम भी ब्याज लेते हैं तो पचास हज़ार का दोस्तों आपको जो है उन पेरेंट्स को जो है एफडी का ब्याज मिलेगा और दोनों को ए टी के अंदर अगर कोई व्यक्ति पचास साठ साल से ज़्यादा है तो पचास हज़ार रुपये की उसको जो है ये जो ब्याज है उसका माफ़ हो जाएगा और तीन लाख रुपये अलग से टैक्स फ्री होता है उनके लिए सीनियर सिटीजन के लिए अगर वो पेरेंट्स उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं प्रॉपर्टी के अंदर और प्रॉपर्टी की कमाई करते हैं वो भी कमाई पेरेंट्स की मानी जाएगी उसके ऊपर थर्टी परसेंट तो वैसे ही टैक्स मतलब मक... इनकम पर दोस्तों थर्टी परसेंट तो वैसे ही आपका टैक्स फ्री होता है कम हो जाता है उसके बाद में तीन लाख रुपये की वो एग्जम्पन मिल जाएगी इस तरह से मतलब आप जो है आपकी जो अमाउंट को डाइवर्सिफाई करके पेरेंट्स के थ्रू फैमिली मेम्बर के थ्रू आप जो है अपने टैक्स को बचा सकते हैं अमाउंट गिफ्टेड टू मेजर चाइल्ड विल नॉट बी क्लब्ड 18 साल से ज़्यादा के किसी अपने बच्चे को आप पैसा देते हो तो वो क्लबिंग नहीं होगी उसकी जो भी कमाई होगी वो उस बेटे की ही मानी जाएगी गिव मनी टू चाइल्ड एंड अर्न अमाउंट बेटर टू गिव लोन स्पाउस अगर आप स्पाउस को अगर आप माइनर चाइल्ड को अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन आई गई है कि उनको पैसा देना चाहते हैं तो क्लबिंग नहीं करवाना चाहते तो आप उनको वो लोन गिफ्ट ना दे करके उनको ब्याज लोन पर दे दें पैसा ताकि वो आपकी इनकम में ना जुड़े वो उन्हीं की इनकम में जुड़ जाएगा गिवन गिफ्टड अमाउंट शुड भी अकाउंटेड टैक्स पेड जो आप पैसा दे रहे हैं दोस्तों गिफ्ट का वो आपका एक नंबर का होना चाहिए कल को आपके ऊपर भी इंक्वायरी आ सकती है कि आपने ये बीस लाख पचास लाख का इनको गिफ्ट दिया है आपके पास पैसा कहाँ से आया था स्टाम्प पेपर जो होगा दोस्तों उसके ऊपर आपको गिफ्ट को लगना है नॉर्मल ये एक डिक्लेरेशन या दोनों की तरफ से कन्फर्मेशन होता है कि मैंने गिफ्ट दिया है और मैंने गिफ्ट लिया है लेकिन फिर भी आप स्टाम्प पेपर पर पे लिखवा लें उसको सौ रुपये का पाँच सौ रुपये का जैसे भी आपको नोटरी लोग जो है गाइड करते हैं उसके हिसाब से लिखवा लें ताकि आपको जो है किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो गिफ्ट डीड कैसे बनाएं दोस्तों ये देखिए आपको एक स्टैम्प पेपर ले लेना है जैसे मैंने बताया था स्टैम्प पेपर आप अपनी सुविधा के अनुसार सौ रुपए पाँच सौ रुपए या जिस तरह का आपकी वैल्यू है या जो आपको जो लोकल वहाँ के जो लिखने वाले होते हैं तहसील के अंदर लिखा पढ़ी वाले वो आपको गाइड कर देंगे कि कितने रुपए का स्टैम्प आपको लेना चाहिए ये नॉर्मल एक डिक्लेरेशन होता है नॉर्मल एक एक्सेप्टेंस और गिवर जो देने और लेने का एक एग्रीमेंट होता है ये आप नॉर्मल वैसे तो वाइट पेपर पर भी लिख सकते हैं लेकिन आपको स्टैम्प पेपर पर लिखेंगे तो इसकी वैलिडिटी इसकी जेनवनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो गिफ्ट डीड हम ऊपर ऊपर यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे इसके बाद में हमें अपने जो आई जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मदन लाल शर्मा सन ऑफ पतलाम पतराम शर्मा ये है गिवर डोनर है ये जो पैसा देना चाहते हैं एज उनकी आ गई है जितने साल का उनका एज है किसी आई के अंदर रेजिडेंट ऑफ श्री गंगानगर की कहाँ के ये रहने वाले हैं आई डू हेयर बाई सोले मनी ऑफ हेम एंड आल्सो डिक्लेयर दैट मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं एक असेसी एसी हूँ और इनकम टैक्स के अंदर ये मेरा पैन नंबर है आई हैव इनफ कैपिटल विच आई अर्न बाय माय सेल्फ आई हैव फुल पावर टू डिस्पोज ओवर द प्रॉपर्टी मैंने अपनी एक नंबर की कमाई करी है और मेरे पास पूरा पावर है कि मैं कैसे भी इस पैसे का यूज कर सकता हूँ दैट आई हैव मेक ए गिफ्ट टू सुमित शर्मा सन ऑफ मदन लाल अमाउंटिंग रुपीज़ फिफ्टीन लैक मैंने सुमित शर्मा को पंद्रह लाख रुपए का एक गिफ्ट दिया है चेक नंबर यह है इस बैंक से दिया है और इस गंगानगर का जो बैंक है इस तारीख को मैंने इनको चेक दिया है दैट द above माइन कैपिटल वॉज received बाई माई फ्रॉम माई ओन अकाउंट ये मेरे खुद के अकाउंट से ये पैसा है वो दिया गया है दैट the above गिफ्ट अमाउंट वॉज गिवन टू माई सन यहाँ पे रिलेशन आ गया है देखिए दोस्तों कि मैंने अपने पुत्र को ये दिया है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन लव एंड अफेक्शन के चलते मैंने अपने बेटे को पंद्रह लाख का चेक दिया है दैट द above गिफ्ट इज अब्सोल्यूटली complete ई रिवोकेबल ये ई रिवोकेबल है ये मैं पैसा वापस नहीं लूंगा एक बार दे दिया तो दे दिया अबव गिफ्टेड अमाउंट रुपीज फिफ्टीन लैक हैज़ बीन रिसीव्ड बाई माई सन इन शेप ए चेक तो ये पैसा जो पंद्रह लाख रुपया है ये मेरे पुत्र के द्वारा प्राप्त भी कर लिया गया है द गिफ्टेड अमाउंट इज नाउ बिलोंग टू सुमित शर्मा ये पैसा जो है दिया गया है अभी मेरे बेटे का माना जाएगा दैट माई लीगल हेयर अ रिप्रेजेंटेटिव हैव नो राइट टू इंटरफेयर डिस्टर्ब इन दिस रिगार्ड अमाउंट कि ये पैसा कल को कुछ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है तब भी ये पैसा मेरे बेटे का ही रहेगा मेरे लीगल हेयर को इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है नहीं होनी चाहिए दैट वट हैव सेटल अब द करेक्ट एंड ट्रू ऊपर जो भी लिखा गया है मैंने ट्रू एंड सत्य है ईश्वर मेरी रक्षा करें इस तरह से आप यहाँ पे साइन कर देंगे जो डोनर है जो अपना जो है जो गिफ्ट दे रहा है उसी ही पेज पर दोस्तों आपको एक्सेप्टेंस भी ले लेनी है मतलब जब आप जिस व्यक्ति को आपने गिफ्ट दिया है आई सुमित शर्मा हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव रिसीव्ड मैंने पंद्रह लाख रुपए का चेक है रिस्पेक्टेड फादर से मैंने श्री मदन लाल शर्मा जी से ले लिया है गिफ्ट मेरे को चेक में मिला है इस बैंक से मिला है इस तरीक़ को मिला है ये चेक नंबर है एंड सेम इज एक्सेप्टेड बाई मी एंड आई हाईली थैंकफुल टू माई रिस्पेक्टेड फादर श्री मदन लाल शर्मा फॉर दिस सच गिफ्ट आई एम रेजाइडिंग एट यहाँ पर हूँ मेरा पैन नंबर ये है मेरा आधार नंबर ये है तो इस तरह से आप अपनी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि कल को आपके अकाउंट के अंदर ये पैसा आया कोई पूछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछे या और भी कहीं पे आपको जस्टिफाई करना पड़े तो आप इजीली इसे जस्टिफाई कर सकते हैं इसको आप नोटरी भी करवा लें दोनों जने यहाँ पे साइन कर लें डोनर और डोनी साथ में यहाँ पे एक दो विटनेस जो होते हैं गवाह होते हैं उनके भी साइन हो जाएंगे तो इस तरह से आप अपनी पूरी की पूरी जो गिफ्ट डीड है वो बना सकते हैं इस गिफ्ट डीड का जो पी का जो दोस्तों ये वर्ड की फाइल है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप अपने अपनी सुविधा के अनुसार इसे डाउनलोड करके इसको अपने एडिट भी कर सकते हैं तो आशा करता हूँ दोस्तों गिफ्ट के टैक्सेशन के बारे में आपको सारे डाउट हैं आपके क्लियर हो गए होंगे और आपने गिफ्ट रीड कैसे बनानी है उसका भी आपको जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड कोई डाउट क्वेरी को क्वेश्चन होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहता है थैंक यू सो मच दोस्तों जय हिंद जय भारत